अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गोनाडेल एप कैप्सूल के बारे में कि गोनाडेल एप कैप्सूल हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें गोनाडेल के एप कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे गोनाडेल कैप्सूल के बारे में, फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर ट्रिबुलस और ट्रेडस्टर पाया जाता है। तो गोनाडेल कैप्सूल एक गैर हार्मोनियल और कुदरती मरकबात से तैयार की गई एक दवा है। वो मर्दाना कुव्वत और जोश में कमी और मर्दाना सलाहियत इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा मर्दाना जोश की कमी हो तो ऐसी कंडीशन में गोनाडेल एप कैप्सूल का इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा सरतंजाल और नामर्दगी बर्दाश्त में कमी हो और इसके अलावा तनाव में कमी हो तो ऐसी कंडीशन में गोनाडेल एप कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा ख्वाहिश की कमी हो तो ऐसी कंडीशन में भी गोनाडेल एप कैप्सूल का इस्तेमाल की जाती है। या शुगर की वजह से जिंसी ख्वाहिश की कमी हो जाए या इसके अलावा स्पर्म की तादाद में कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में गोनाडेल एप कैप्सूल की इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा सेहत की फर्टिलिटी में कमी हो तो गोनाडेल एप कैप्सूल की इस्तेमाल की जाती है। गोनाडेल एप कैप्सूल जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल तो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन अपना काम बेहतर तरीके से करती है, यानी ख्वाहिश की कमी पूरी हो सकती है। और इसके अलावा गोनाडेल कैप्सूल के अंदर जिंक पाया जाता है, यानी इसका काम स्पर्म को मजबूत करना होता है, यानी स्पर्म की तादाद को बढ़ा देती है। और इसके अलावा गोनाडेल कैप्सूल के अंदर विटामिन ई पाया जाता है, यानी विटामिन ई बालों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है और इसके अलावा आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो बांझापन जैसे बीमारी हो सकती है। और इसके अलावा विटामिन ई की कमी की वजह से स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। अब बात करेंगे डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल। तो एक या दो टेबलेट दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे गोनाडेल कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब बात करेंगे गोनाडेल कैप्सूल के कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें गोनाडेल कैप्सूल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर किसी को गुर्दों की बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में गोनाडेल कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी हो, गोनाडेल कैप्सूल खाने से एलर्जी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप गोनाडेल कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।